आशा आईटीआई औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। आशा आईटीआई में सत्र 2023-25 में नामांकन जारी। भारत सरकार एनसीवीटी द्वारा मान्यता प्राप्त। प्रधानमंत्री जी के अपने प्रधानमंत्री के रूप में 9 साल पूरे करने के अवसर पर अखिल भारतीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी का एक अभियान महाजनसंपर्क अभियान प्रारंभ हुआ है। उसके तहत आज विकास तीर्थ के रूप में हम लोग गाय बराज चंदनकरी विधानसभा का यहाँ पर हम लोग आए हैं। आप सबको मालूम है मोदी जी के आने के बाद देश के अंदर विकास की जो गंगा बही है, जो परिवर्तन आए हैं, उसने देश के मान को और देश के सम्मान को और देश के प्रगति को नई ऊँचाइयाँ नई मुकाम दिया है। आज भारत विश्व का 5वां अर्थव्यवस्था बन गया है, ब्रिटिश जैसा देश को हरा पीछे छोड़ करके, जिसने 200 साल तक भारत को गुलामी के अंदर रखा था। आज देश के बढ़ते कदम का दर्शन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे भारत की जनता को, जो अपने जनता जनार्दन है, उनको कराने जा रहे हैं। 1977 से गाय बराज योजना चालू हुआ था। 5000 हेक्टेयर सिंचित होने वाली भूमि के परिकल्पना के साथ, जो चंदनकरी विधानसभा में पड़ता है, इसको लेकर के चलाया गया था। लेकिन 1977 से 2018 तक, जब तक रघुवर दास जी की सरकार झारखंड में नहीं बनी, नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार नहीं बनी, तब तक इस योजना को मूर्त रूप आने में हम लोगों ने कभी विश्वास नहीं किया। लोगों को लगता था ये सफ़ेद हाथी है, ये कभी पूरा नहीं होने वाला है, ये सिर्फ और सिर्फ है चुनावी घोषणा पत्र है। हर साल इसके रिपेयरिंग के नाम पर कुछ अरबों रुपए निकाल लिए जाते थे, खर्च कर दिए जाते थे, लेकिन जनता को इसका कोई लाभ नहीं मिलता था। लोग हवाई सर्वे भी करते थे, लोग यहाँ जा कर के बड़े बड़े वायदे पेपरों को कटिंग घोषणाएँ करते थे, लेकिन हकीकत यथार्थ ज़मीन पर नहीं उतरता था। मोदी जी के नेतृत्व में रघुवर दास जी की सरकार ने, उस समय मैं चंदन क्यारी का विधायक, यहाँ की जनता के आशीर्वाद से बना, यहाँ के लोगों के वोट के कारण प्रतिनिधित्व का मौका मिला, उस वोट के सम्मान में हम लोगों ने इस विषय को कैबिनेट में रखा और रघुवर दास जी ने इसको पारित किया। 1,42,00,00,000 का यह कैनाल का योजना और 8,00,00,000 का डैम के गेट और बाकी मरम्मती की योजना, लगभग 1,50,000,000 रुपये का यह कार्य 2018 से प्रारंभ हुआ। एक ख़त्म हो जाना चाहिए था समय से पहले, जो समय था वहाँ पर, लेकिन देरी हुई। लेकिन आज मैं कह सकता हूँ कि 1977 से प्रारंभ ये योजना, जो सिर्फ और सिर्फ खानापूर्ति करने के लिए था, आज इसका 86 किलोमीटर लंबा कैनाल बन करके तैयार है, गेट बन करके तैयार है, डैम बन करके तैयार है, और सिर्फ बरसात का इंद्रदेव का इंतजार है। इंद्रदेव की कृपा होगी, वर्षा आएगी, और यह पूरा खेत जो पानी के अभाव में वंचित रह जाता था, सूखा रह जाता था, उसकी सूखा दूर होगी, और चंदन क्यारी के किसान इस नहर के माध्यम से अपने 5000 हेक्टेयर जमीन का सिंचाई कर पाएंगे, यहाँ के किसान समृद्ध हो पाएंगे। ऐसा योजना के साथ यह कार्यक्रम, वोट के कारण कितना अंतर पड़ता है। 2014 के पहले जितनी भी सरकारें आई, आपने वोट दिया, लेकिन उन्होंने कभी आपके विकास को प्राथमिकता नहीं दी, उन्होंने सिर्फ अपने सत्ता को प्राथमिकता दी, सत्ता के द्वारा भ्रष्टाचार को अपने जीवन का अवलंबन बनाया, अपने परिवार को आगे बढ़ाने का, वंशवाद की राजनीति को यहाँ मजबूत करने का काम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के बाद, जो माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, उसको मूर्त रूप देते हुए आज पूरे भारत के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे तो कई एक उदाहरण, बड़े उदाहरण इस चंदन क्यारी विधानसभा में है, चाहे पावर का सब ग्रिड है, अपना इंजीनियरिंग कॉलेज है, पार्क है, इंटरनेशनल स्टेडियम है, सड़कें हैं, कई एक उदाहरण है। लेकिन यह योजना यहाँ के आम नागरिकों के जीवन को बेहतर करने वाला, उनके जीवन में उन्नयन पैदा करने वाला है, इसलिए आज विकास तीर्थ के रूप में हम लोगों ने इसको जनता के सामने रखा है और उनको बताने का काम किया है कि आपने जो वोट दे करके हमें दायित्व दिया था, उस वोट के दायित्व से आज यह काम आपके लिए हमने नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से समर्पित किया है।